माता रमा ने किया गया है। धम बंधुओं, एक बार का मैं जिक्र सुना रही हूँ। जब बाबा साहब लंदन से पूरी पढ़ाई करके लौटते हैं तो बाबा साहब के बड़े भाई बालाराव माता रमाबाई को पैसे देते हैं और जो परिवार के लोग होते हैं उनको पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने लिए नए कपड़े लेकर के आना, क्योंकि आज अंबेडकर आ रहा है, उसका स्वागत होगा, तो हम लोग सब नए कपड़े पहन करके जाएंगे। धम्म बंधु वो माता रमाबाई को भी पैसे दे देते हैं और कह देते हैं रमा ले अपने लिए एक साड़ी ले आना अच्छी सी, क्योंकि धम्म बंधु जब बाबा साहब विदेश में रहते थे तो माता रमाबाई साड़ी में कपड़ा लगा लगा करके, टिकरी लगा लगा करके थकती नहीं थी। साड़ी फट जाती तो माता रमाबाई शाम को उस पर दूसरा कपड़ा लगा करके उसको सिल लेती, फिर दूसरी साड़ी फट जाती तो उसको भी माता रमाबाई सिल सिल करके पहन लेती। साड़ी कभी फटने से नहीं रहती और माता रमाबाई उसमें कपड़ा लगाने से कभी हारती नहीं थी। जब बाबा साहब विदेश गए तो माता रमाबाई के घर पर बाबा साहब की छोटे बड़े भाई की पत्नी लक्ष्मीबाई और उनका एक बेटा मुकंद राव और बाबा साहब के दो बेटे और माता रमाबाई के जेठ, ये सभी मिलकर रहा करते थे। तो माता रमाबाई चार रोटी बनाती थी बाबा साहब के जाने के बाद। माता रमाबाई ही पूरे घर को चलाती थी। वो इतना कमा के लाती थी कि एक टाइम वो भोजन कर सकती। एक टाइम माता रमाबाई चार रोटियां बनाती थी, एक एक अपने बच्चों को दे देती, एक अपने जेठ को दे देती और माता रमाबाई फिर पानी पीकर ही सो जाती। कभी माता रमाई को खाने के लिए एक टुकड़ा रोटी ही मिलती। माता रमाबाई ने हमारे लिए बहुत कष्ट सहे। एक बार जब बाबा साहब विदेश से पढ़कर के आए तो बाबा साहब का बहुत बड़ा भव्य सम्मान समारोह रखा गया। तब माता सोचने लगी कि आज साहब का सम्मान समारोह है, मेरे पास तो अच्छी साड़ी तक नहीं है पहनने के लिए, मैं क्या पहन करके जाऊंगी। माता रमाबाई ने अपना बक्सा खोला, देखा तो उसमें सारी साड़ियां फटी हुई रखी थी। तब माता रमाबाई को याद आता है कि एक बार बाबा साहब को सयाजीराव गायकवाड़ जी ने एक पगड़ी दान में सम्मान समारोह में उन्हें एक पगड़ी दी थी। माता रमाबाई उस पगड़ी को साड़ी की तरह लपेट कर पहन जाती है और बाबा साहब मंच पर भाषण दे रहे होते हैं और बाबा साहब की आंखें तो बस रमाई को ही ढूंढ रही होती हैं। धम्म बंधु, माता रमाबाई ना ही पहली लाइन में बैठती है ना ही पीछे वाली लाइन में बैठती है और ना ही माता रमाबाई बीच में बैठती है। मंच से दूर एक पेड़ लगा होता है, माता रमाबाई उस पेड़ के पीछे छिप करके सुन रही होती हैं। लेकिन बाबा साहब की नजरें तो सिर्फ माता रमाबाई को ही ढूंढ रही होती हैं। जब कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, कार्यक्रम का समापन हो जाता है तो बाबा साहब उस पेड़ के पास में आते हैं और माता रमाबाई को देखते हैं।
तो बाबा साहब की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कहते हैं, रमा मैं तुम्हारा अभागा पति हूँ, रमा मैं तुम्हारा अभागा पति हूँ। ये सब सुनकर के रमाई बाबा साहब के होठों पर उंगलियां रख देती है और कहती है, साहब ऐसी बात मत कहो, साहब आज मैं तुमसे एक चीज मांगना चाहती हूँ, मुझसे वादा करो, क्या तुम मुझे दोगे? बाबा साहब कहते हैं, रमा जो मांगना है मांगो, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। रमाई कहने लगी, बाबा साहब आप इस देश में इस दुनिया में एक ऐसा काम करके जाना कि हर बहन के पास एक साड़ी से भी ज्यादा साड़ी हो, हर बहन के पास सुख हो, वैभव हो, कोई बहन मेरी तरह दुख में जी करके अपना जीवन ना बिताए। बाबा साहब मेरे लिए बस इतना ही करके जाना। धम बंधु, तभी बाबा साहब की आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगे, हे रमा तूने ये क्या मांग लिया, रमा तूने ये क्या मांग लिया। धम बंधु, ऐसी थी माता रमाबाई जिसने हम सभी समाज की बेटियों के लिए अपनी सबसे प्यारी बेटी इंदु को कुर्बान कर दिया। वो थी रमाबाई जिसने अपने चार चार बच्चों का बलिदान दे दिया हम सब समाज के बच्चों के लिए। वो थी रमाबाई जिसने कभी भी अपने तन पर अच्छी साड़ी नहीं पहनी, लेकिन आज तुम लोगों को अच्छी अच्छी साड़ी